इस वीडियो में आपको सिखाएंगे ब्रिज बनाना। ब्रिज पे और भी वीडियो बना है। यह ब्रिज बीम के लिए है। जब हम स्लैब में पाइपिंग करते हैं, ऊपर से जब पाइप को लेके आते हैं तो हमको कहीं कहीं पे बीम मिल जाता है। तो बीम मिल जाता है तो इसको पार करना पड़ता है। जो बीम मिल जाएगा तो हम इसको पाइप को पार करने के लिए सबसे पहले हम बीम का मार्किंग करेंगे। हाइट बीम का कितना है और बीम का लंबाई कितना है, इसका मार्किंग सबसे पहले करेंगे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मार्किंग करके भी। और इसके बाद ये जब मार्किंग हो जाएगा, इसके बाद हम जीआई पाइपिंग में मार्किंग करेंगे। हमको इस साइज का ब्रिज चाहिए। जो साइज का आपको ब्रिज चाहिए, आप पहले जीआई पाइप में मार्किंग करेंगे। मैं आपको इसमें पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, बीम का और जीआई पाइप में मार्किंग करके बना के और कहाँ पे इसको फिट करना है वो भी आपको दिखाएंगे। बीम में हम ऊपर जब फिट करेंगे वो भी आपको पूरा लगा के पाइप को दिखाएंगे। पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, तभी आप सीख पाएंगे। इस तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आप बहुत सारा कमेंट करते हैं कि हमको आपसे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिज लगा है। यहाँ पे ये बीम पे ब्रिज लगा है। इसी तरीके से बीम पे ब्रिज लगाते हैं और इसका मार्किंग करके ऐसे इसको ब्रिज बनाते हैं। ये देख सकते हैं बॉक्स से इस पार किया है पाइप को। ये देख बीम के लिए बनाएंगे ब्रिज। दिखाते हैं इसका मार्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसका हाइट नापेंगे, ये हमारा बीम कितना है। ओके, ये हाइट नापने के बाद फिर इसको देखेंगे ये कितना लंबा है। ये देख सकते हैं इस तरह से इसका हाइट देख लिया कितना सेंटी है, और ये भी मैं देख लिया जैसे 50 सेंटी है। तो एक दो सेंटी बड़ा करके ही मारेंगे तो दिक्कत नहीं है। 50 पे ही मार सकते हैं, 52 पे भी मार सकते हैं। इस तरह से इसको नाप लेंगे। नापने के बाद ये दोनों साइड का हमारा नाप लिया कि हमारा इतना लंबा ब्रिज चाहिए, और गहरा जो ब्रिज रहेगा वो मैं देख लिया इधर से। ये देख सकते हैं गहरा हमारा आ रहा 15, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइप। तो 3 सेंटी है तो कम कर लेंगे, 12 सेंटी का बनाएंगे। अब 12 सेंटी का बनाने के बाद ये बॉक्स देख सकते हैं, ये जो हमारा पाइप आ रहा है इधर से देख सकते हैं, ये पाइप हमारा इधर से आ रहा है। ये देखिए ये पाइप में हम इसको लगाएंगे इधर से ला के। अभी लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इसको कैसे लगा के इस पार हमको लाना है। इस पार हम ला के आपको दिखाएंगे। ओके, 25 सेंटी, 25 सेंटी। ओके, अब यहाँ से हमको लेना है ये 20 सेंटी। थोड़ा हाथ हटाओ, ये देखिए 20 सेंटी हो गया। 20 सेंटी के बाद अब हमको लेना है 52 सेंटी। हाथ हटाओ, थोड़ा दिखाओ, खोलो मीटर पूरा। ये 52 सेंटी, फिर यहाँ से हमारा 20 सेंटी। ओके, अब एक मिनट मीटर यहाँ लगाया। अभी देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट स्टार्टिंग जो है वो 25 सेंटी है। जो ब्रिज हमारा बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ओके, ये बीच में हमारा 20 सेंटी है। एक मिनट, ये 25 सेंटी मैं उधर छोड़ा है, हमको 25 सेंटी का ज़रूरत है इसके लिए। ये फार्मूला जो है इसका, ये 20 सेंटी लेना है, 12 सेंटी का इसमें ब्रिज बनाएंगे। ओके, और यहाँ से हमारा 52 है। इस तरह से 52 सेंटी हो गया हमारा। बीच में ये बीम है हमारा, इसके लिए हम 52 का ले रहे हैं। इसके बाद इधर हम फिर 20 सेंटी ले लेंगे। ओके, अब इसको मशीन पे ले चलते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बना के आपको दिखाते हैं कि इसको मोड़ना कैसे है बेंडर मशीन से। ओके, चलिए मशीन देख सकते हैं। व्हील्स के ऊपर पाइप को रखना है जो आप मार्किंग किए हैं, जो फर्स्ट वाला मार्किंग है। उसके बाद एक मार्किंग सेकंड में है, दो मार्किंग है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड वाला पे पहले मैं रखा हूँ, फर्स्ट वाला पे भी रख सकते हैं। सेकंड वाला पे मैं पहले रखा हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से इसको पाइप को थोड़ा दबाना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आप इसको खोल सकते हैं। बहुत सारा वीडियो में दिखाया भी हूँ खोल के कैसे खुलता है। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से एक साइड अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर दूसरा साइड शुरू करते हैं। इधर से भी हम थोड़ा मोड़ेंगे, जितना उधर से मोड़ा उतना इधर से मोड़ेंगे।
ये जो दो साइड मुड़ जाएगा तो फिर पाइप को हम घुमा के डालेंगे। घुमाने के बाद सेम सेम पाइप को सीधा भी देखना है। आप इधर से देख लें, जो आदमी इधर पकड़ रखे हैं इसको इधर से देखना है, पाइप सीधा है कि नहीं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा भी होगा तो सीधा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सीधा अगर बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरह से देख सकते हैं, हम दबाया इसको, दबाने के बाद फिर इसको मैं थोड़ा पीछे लेंगे, थोड़ा देख सकते हैं इस तरह से पीछे लेंगे। पीछे लेने के बाद फिर हम दबाएंगे, ये दबाएंगे, इसके बाद फिर हमारा रेडी हो जाएगा ब्रिज। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं इस तरह से हम इसको दबाएंगे। दबाने के बाद फिर हम इसको कहीं पे पाइप पे रख के या वाल पे कहीं पे नीचे कहीं पे रख के बराबर जगह पे इसको मैं चेक करेंगे हमारा सही बना या नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। देख सकते हैं इस तरह से, मैं इस तरह से लगाएंगे, लगा के फिर देखेंगे सही है या नहीं। ओके, इस तरह से लगा जो हम 20 सेंटी लिए थे वो 20 सेंटी हमारा ये है, और इधर जो होता है इधर का जो लंबाई है, इधर का जो लंबाई है ये अपने हिसाब से रखा जाता है जितना ज़रूरत होता है। 12 सेंटी बनाने के लिए 20 सेंटी का मैं मार्किंग जो किया था, और ये जो हमारा 50, ये हमारा 52 सेंटी हो गया, और ये हमारा 20 सेंटी हो गया। और इधर जो रखना है ये अपने हिसाब से रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये 20 सेंटी का जो है, ये वाला 20 सेंटी और हमारा ये वाला 20 सेंटी, ये दोनों को मेन है। ये देख सकते हैं ये ब्रिज हमारा रेडी है। ये देख सकते हैं ये 12 सेंटी का ब्रिज है, इसको बीम में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, बस वीडियो बने रहें। ये देख सकते हैं, ओके, आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा देख सकते हैं 12 सेंटी का रेडी है, ये हमारा 12 सेंटी इधर और उधर भी नापो, ये दोनों साइड हम 12 सेंटी का ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिज रेडी है। इसको लगाएंगे कहाँ पर वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से इसको नापा जाता है, ये देखिए पाइप में इस तरह से लगा के इसको सटा के, या वाल में भी सटा के चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसको लगाएंगे, लगाने के बाद ब्रिज बनाएंगे। ये हमारा ब्रिज बन चुका है, ओके रेडी है। ये देख सकते हैं इस तरह से सैडल लगा के रेडी कर दिया, ये दो सैडल लग गया है। अब ये बॉक्स में इसको लगाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं ये हमारा फिट हो गया पाइप, ये इधर से इधर जो हमारा 20 सेंटी था वो ये है, और जो हमारा 52 सेंटी था वो इधर का, और इधर से हम इधर आएगा, ये हमारा 20 सेंटी है। और ये जो हम रखे हैं ये अपने हिसाब से रखना, जितना ज़रूरत होता है उतना रखा जाता है। ओके, इस तरह से इसको ये देख सकते हैं फिट हो चुका है। बस इसी तरीके से ब्रिज बना के लगाते हैं, देखा जाता है बीम हमारा कितना मोटा है, उसके हिसाब से इसकी गहराई रखा जाता है, कितना गहरा ब्रिज बनाएंगे तो हमारा इस पे आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है, इतने ही आज के